नहीं, ये इतने सारे लोग बैठे हैं और इतनी मुख्तसर आवाजें पूरा। मैंने आपको कल भी तीन चार दिनों से बता पा रहा हूं, हमारा शिया का वजूद इत्तेहादियों पर कायम है। शिया एक यूनिटी का नाम है और यूनिटी हमारी पावर है। और हमारी पावर यह है कि जब हम एक जगह जमा होते हैं तो वहां हम आवाज होते दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आज इस जगह पर शिया ने हजरत करार बैठे हुए हैं। तो अपनी आवाजों को उसी ताकत और उसी दिल की गहराई के साथ इस्तेमाल कीजिए। इस मामले में शर्म मत किया करें कि ये कोई एक तमाशा नहीं होता, ये हमारी अपनी अकीदतों का इजहार दुनिया के जरिए हम दुनिया में दिखा रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम हक के मानने वाले हैं, हक के रस्ते पे चलते हैं, हक बात करते हैं और हक बात को जो है दिल की गहराइयों के साथ बुलंद करते हैं। नारे काबा भी है, लिहाजा इंकलाबी प्रोग्राम वगैरह जो सिलसिला है वो अभी नशिस्तें इंशाल्लाह आपकी समात की नजर करेंगे। अभी मौला कायनात के हवाले से चंद कलाम आपको आपकी समात की नजर कर रहा हूं। अली कभी लगा इंतजार का निजात में रहना आप लोग, होगा गर्मी बहुत अच्छी है लेकिन इतनी भी नहीं है, पंखे भी चल रहे हैं माशाल्लाह। अली का फोन लगा इंतजार का वे और महक रही है गुलों की बहार का वे, खुशी से झूम के कहते हैं जिब्रील ले अली कि तेरी रहमत परवरदिगार रहमत परवरदिगार कावे में। रुक पड़ेगा मोहम्मद वाले चार दस में आपकी समाधि में जो करो उसमें आखिरी दो जो मिसले हैं, मैं तमाम अपने बुजुर्गों की तमाम अपने जवानों को खुशी तवज जो चाहूंगा उस पर, चूंकि उसमें एक जवाब भी है और एक पैगाम भी था जो हमारे मकतब फिक्र के कई दूसरे सरकार से एक प्रोग्राम में किया था उसका जवाब दिया था। इंशाल्लाह मेरे बुजुर्गों को अगर ये चीज समझ आए तो जरूर दुआ देंगे। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले हर दम किया विरुद्ध हर दम किया कीजिए और फोन में जिनके शामिल थे शामिल गए अपनी माँ को दीजिए खून में जिंदगी शामिल गए अपनी माँ को दीजिए। हमारे बहुत सारे दोस्त थे मतलब कहने लगे थे देखिए हम तौहीन रिसालत पे हर जगह जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, मगर एक शिया फिरका ऐसा है
कि ये तौहीन रिसालत पे एहतजाज नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छे हमारे वाजिब एहतराम हैं, नाते पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो जो मैंने उनको जवाब दिया था अपने मजहब अपने फिरके की जानिब से, वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ कि जहन में ये रखिएगा कि उन्होंने फरमाया था कि हम तौहीन रिसालत का एहतजाज नहीं करते। या अली या अली या अली विर्द हरदम किया कीजिए, तौहीन रिसालत का जवाब था। हम तो 1400 सालों से ये कह रहे हैं ये तौहीन है कि जब नबी ने था मांगा कलम, जब नबी ने था मांगा कलम क्यों दिया ना बता दीजिए, कि जब नबी ने कि जब नबी ने करम क्यों दिया ना बता दीजिए। दुरूद पड़ेगा एक नई मनकबत आपकी समाप्त की नजर कर रहा हूं, दुरूद पड़ेगी कहो मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां में नाम अली जो लिया नहीं करते, जहां में नाम अली जो लिया नहीं करते वो हक की जिंदगी लोगों जिया नहीं करते, और हमारे खून में शामिल अली की चाहत है कि नाम इसके सिवा हम लिया नहीं करते, और जो बाब इल्म से मंसूब हैं वही मोमिन, सवाल गैरों से जाकर किया नहीं करते, और नसीब वाले ही पीते सबील का पानी, नसीब वाले ही पीते सबील का पानी, जो कम नसब है ये पानी पिया नहीं करते, जो कम नसब है ये पानी पिया नहीं करते, और ये दर्स सीखा है हमने हुसैन से लोगों, लबों को जुल्म के आगे सिया नहीं करते, लबों को जुल्म के आगे सिया नहीं करते, और हैदर से करबो बला जालिमों से जंग करो, कि हम तो बैत जालिम किया नहीं करते, कि हम तो बैत जालिम किया नहीं करते, और हो जिनके खून में शामिल बगादुरों का लहू, हो जिनके खून में शामिल बगादुरों का लहू, कभी भी पुश्त से हमले किया नहीं करते, कभी भी पुश्त से हमले किया नहीं करते, और वो शाहदी के आजादार हो नहीं सकते, वो शाहदी के आजादार हो नहीं सकते,
जो वाजिबात को लोगो अदा नहीं करते, जो वाजिबात को लोगो अदा नहीं करते। और अली के मानने वाले हैं सब करते हैं, ये दरसे जुल्म व सितम हम दिया नहीं करते। और आखिर में मकता पेश कर रहा हूं, हमें है नाज अली दीप इस जमाने में, बुरे को कहते बुरा है डरा नहीं करते, बुरे को कहते बुरा है डरा नहीं करते। जहां में नाम अली जोलिया नहीं करते। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाल। सभी आप लोग खामोश बैठे हुए तो इंतजामिया ने भी आपकी खामोशी को महसूस करते हुए मुझे हुक्म दिया है कि जो मन खबत जिससे आप थोड़े बहुत जाग जाएं, आपकी समाप्त की गर्मी काफी है, लेकिन हमारा ये जोश, हमारा ये वलवला जो जश्न मौलूद काबा के सिलसिले में अपने अंदर जमा किया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए और ये सबूत देते हुए कि इस वक्त पंडाल में ज्यादा तादाद नौजवानों की मौजूद है, बुजुर्ग तो चलो आवाज कम निकाल सकते हैं लेकिन जवानों को कम से कम अपनी आवाजें जरूर इस्तेमाल करें। बस दो चार बंद पेश करूंगा क्योंकि मेरे पास वो डायरी नहीं थी, लेकिन हुक्म की तामील है, आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, आपका भरपूर साथ चाहिए जिस तरह आप मदारिस मदरसे में मेरे साथ देते रहे। हैदर 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 ऐसा लग रहा है कि मानदार सिर्फ इधर बैठे हैं, इधर सब लोग बिल्कुल खामोश, कुछ राजमान, किसी की कोई आवाज नहीं, कोई हाथ मिलन नहीं। देखिए हमारे यहाँ मजलिसों का माहौल और होता है, ये जितनी चीजें होती हैं या जो हम यहाँ पे जिक्र जिसका इस्तेमाल करके जिस वजह को हम सजाए हुए हैं, आवा साहब भी तशरीफ लाएंगे, अगर उनको वो चीज माहौल नहीं मिल सका कि जो इस चीज के लिए पूरा प्लान किया गया है कि लोगों में वो एहसास वो जज्बा बेदार हो, आपने ये जज्बा ये बेदार जब आप भी नहीं होगा तो पूरी मेहनत की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, पूरी मेहनत में कैसे ये जज्बा बेदार करेंगे। आपसे गुजारिश शर्माएं नहीं, आप इस बस में सिर्फ हैदर हैदर करने ही आए हैं तो जिनकी गहराइयों के साथ जिक्र आपकी इबादत जिक्र है तो शर्माएं मत, अपने हाथों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। इंतजामी से गुजारिश चौके छोड़ कर पानी पिलाया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिनकी अपने आवाजों को नौजवान मेरे कम से कम पूरा साथ दीजिए जितने जहां भी ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए आगा साहब ने जिस तरह कराया था कि मैं पहले आपसे पढ़ाऊंगा फिर आपसे पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं सब मिलकर कह रहा था कि आवाज गूंजे। आगा साहब पीछे से गुजर रहा है, सुन लिया है कि आवाज बाहर तक भी नहीं आ रही, तो कम से कम थोड़ा एहसास करें, अपनी आवाज को देख साथ लेकर तो आवाज बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जागे हुए की वजह से काफी हमारी खारान हमारी जितनी माएं बहनें आई हुई हैं, आपकी आवाज बहुत कम है, आपके ना होने का एहसास हो रहा है, मेरी तमाम अपनी बहनों से अपनी माओं से गुजारिश है कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि हमारे नौजवानों के साथ साथ आपकी आवाज बुलंद हो, ताकि इनकी आवाजों में थोड़ा एहसास जागे कि हमसे ज्यादा खारान की आवाज आ रही है। मिलकर आप लोग अपने हाथों को बुलंद करते हुए इस यकीन को बताते हुए कि आज हम इस पंडाल के अंदर अपने जज्बों को अपने ईमान को बेकार करने के लिए जमा हुए हैं। एक ही खुदा है, एक ही नबी है, एक ही खुदा है, एक ही नबी है, एक ही है अपना रहबर।
और सोच जहां तक जाने सकती हो राजे अली है, सोच जहां तक जाने सकती हो राजे अली है। कौन से देखो कौन से सुनो कौन नबी है। Yeah.
जिस तरह इमाम मासूम ने फरमाया है उस तरीके से बनाइएगा, तब जाके इंशाल्लाह हमें दीदार नसीब होगा। शेर पेश कर रहा हूं कि खौफ लहद का हमको नहीं है बस दीदार की हसरत, क्योंकि अली के मानने वाले कभी मरने से डरे नहीं, शहादत हमारा वरसा है। इंशाल्लाह हम तैयार हैं अपनी अपनी शहादतों को, लेकिन हमारे इस यकीन को अपने नौजवान दिलों में बेदार रखिएगा कि खौफ लहद का हमको नहीं है बस दीदार की हसरत, और क्या आलम होगा जब देखेंगे दिलदार की सूरत, सामने होंगे जब मेरे मौला, सामने होंगे जब मेरे मौला, और होगा ये लपक हैदर। और अब मैं हंसी में समझ जाएंगे मौला के दीवाने, हम को लगी है आएंगे मौला बख्शिश करवाने, और नाम है
हमारा है ताजी जमाना इस्लाम पूरा दर्शन।